हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आई हैं बल्क में पीपीआर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीपीआर से विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट माय वीज़ा 27 जून आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल एंड 1 ईयर। फ्रॉम लास्ट ईयर से ट्राई कर रहे थे। 30 मई की फाइल लॉज है एंड 5 ईयर का गैप था। आज इनकी पीपीआर आ गई है एंड ओवरऑल 6 बैंड हैं। ईच बी 6 थे एंड 2018 में किया है। 5 ईयर का गैप था। R65% एंड गाइज, इनकी पीपीआर 3 रिफ्यूज़ल के बाद आई है और ये लास्ट 1 ईयर से ट्राई कर रही थी। कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है सोहे मनु। पहले मैंने प्रोफाइल शेयर की थी, 18 मई को इनका रिफ्यूज़ल आया था। 6 टाइम अप्लाई किया था। 26 को इन्होंने फाइल लॉज की, 26 को पीपीआर आ गई है एंड 2020 से ट्राई कर रहे हैं। अब सक्सेस मिली है। प्रोफाइल 10th में 9.0 CGPA, 2017 पास आउट, 1255 2019 आईएलटीएस में 7 बैंड थे, 6.5 कॉमर्स स्ट्रीम्स, 42% 42 इन अकाउंट, 42 इन विजिट। सी गाइस, पैसा बहुत बर्बाद होता है पर वीज़ा आ जाता है कि अगर आप लगे रहो तो, क्योंकि कैनेडा ऐसी कंट्री हो कभी भी ये नहीं कहता कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेजर जो होते हैं, अगर कुछ बड़ा हुआ होता है, फेक चीज़ें लगी होती हैं, तब वो बैन लगाता है। इनका कोर्स डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है हे मनु, आई एम ऑन क्लाउड 9। माय सन रिसीव पीपीआर आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल। फाइल वाज 5th अप्रैल मेडिकल एंड पीपीआर 27 जून। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉन्स्टोवा कॉलेज वाटरलू इनका कैंपस है। नेक्स्ट है फाइनली आफ्टर द लॉन्ग वेट री अप्लाइड एसटीएस वीज़ा। फाइल लॉज 19 मई, मेडिकल एंड रिव्यू स्टार्ट 5th of June एंड गॉट पीपीआर ऑन 27 जून आफ्टर रेजिंग 3 वेब फॉर्म सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट है रिसीव पीपीआर 27th of June। फाइल लॉज की थी 14th of June को। इनके 3 स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल भी थे, 1 विजिटर रिफ्यूज़ल भी था। सो नेक्स्ट प्रोफाइल देख लीजिए। सो इनकी बीएससी बीएड किया है, 2015 पास आउट है। वर्किंग सिंस देन इन ए स्कूल IELTS 7 कोर्स MH लीडरशिप स्टडीज़। फाइल लॉज 5th जून, बायोमेट्रिक 9, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 21st जून। पीपीआर इनकी 27 जून को इन्हें रिसीव हो गई है। नेक्स्ट है लॉज डेट 8th of June, बायोमेट्रिक 13, मेडिकल 19 जून, BVL 21st, पीपीआर इनका 28 जून को रिसीव हो गया है। इन्होंने खुद से SOP लिखी है। नेक्स्ट है सो 1 टाइम रिजेक्ट हुआ था इनका 28 मई को। इन्होंने फिर 14 जून को फाइल लॉन्च कर दी थी एंड पीपीआर इनकी 28 जून को आज इनको रिसीव हो गई है। कंग्रेचुलेशंस कीर्तन पटेल। नेक्स्ट है गुरु नानक जी देव जी की कृपा नाल आई गॉट माय पीपीआर रीअप्लाइड SDS लॉस डे 19 मई एंड मेडिकल पास 5th of June। डायरेक्ट पीपीआर आई है इनकी 28th of June को, इट मीन्स टुडे। नेक्स्ट है सो लॉस डेट 14 जून, पीपीआर 28th of June, मेडिकल एंड बायोमेट्रिक अपडेट सेम डे। सैनिका कॉलेज है, कोर्स है इनका बिजनेस एनालिटिक्स। कंग्रेचुलेशंस। एंड गाइस, ऐसी बल्क में काफ़ी पीपीआर आई हैं। एंड नेक्स्ट जीसी की देख लीजिए, 5th जून की फाइल लॉज है, सबमिशन सेम डे। BCL 12 जून, करस्पॉन्डेंस लेटर June 28 एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव ऑन June 28। फ्रेश SDS फाइल है। सो नेक्स्ट पीपीआर है, सो इनकी 4 जून का वीज़ा अप्लाई किया था। इनकी वाइफ का वीज़ा है, 10 को बायोमेट्रिक हुए, 14 को बायोमेट्रिक दे दी। इन्होंने 14 को अपडेट हुए, 22 को मेडिकल अपडेट हुआ, 27 जून को पीपीआर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको रिसीव हो गया। नेक्स्ट है 5 जून को फाइल लॉन्च किया, 12 जून को बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आई है, 15 जून को बायोमेट्रिक अपडेट हो गए हैं इनके एंड 22 को मेडिकल एंड 27 जून को ही पीपीआर इनको रिसीव हो गई है। नेक्स्ट वन है सो इनका रीमेडिकल हुआ था एंड इन्होंने रीमेडिकल करवाया ना है अपना, बट इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लॉस्ट डेट 26 मई को आ गई थी। रीमेडिकल रिक्वेस्ट 14 जून को एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनकी आज रिसीव हो गई है। नेक्स्ट वन है